hello hope you guys are doing well so in this video this video is basically a revision uh, video last minute revision video of chapter 1 unit 2 in unit 2 introduction to the production process and the chapter 1 is all about film so film from idea to execution from idea to the release of print so उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट जो फिल्म का प्रोसेस है जो फिल्म का प्रोसेस है इट नॉट ओनली इट्स नॉट अ वन मैन वर्क राइट इट रिक्वायर्स लार्ज सम ऑफ मनी एक इन्वेस्टमेंट लगता है उसमें एक बहुत सारे लार्ज uh, टीम लगता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स भी लगते हैं सो so, ये तीन चीज़ तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें जो लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन्वेस्टमेंट लगता है लार्ज सम ऑफ मनी जो ये पूरा जो प्रोसेस है वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है ठीक है जैसे कि इंडस्ट्रियल ऑपरेशन जैस जस्ट लाइक दैट इसलिए उसको इंडस्ट्री भी बोलते हैं राइट right? जो uh, entire process of filmmaking is a continuous it is basically a continuous process which involves stages right what are the stages there are three stages or three principal stage we can say right first stage is pre-shooting stage then shooting stage and then post-shooting stage pre-shooting stage is, be, uh, is basically something like planning something which you do before shooting stage and shooting stage is whatever you do while shooting and post shooting stage is like you have already completed with your shooting and now whatever you're doing it which is like after your shooting stage right so pre-shooting stage what involve writing a script script word is not mentioned please add it writing a script then uh, writing a script starts from an idea right uh, we'll get into it later we'll get into it later लेटर uh, बाद में हम लोग डिटेल्स के बारे में जानेंगे but first thing is script राइटिंग अ स्क्रिप्ट सेकेंड है बजटिंग द प्रोजेक्ट बजटिंग अ प्रोजेक्ट के तीन कैटेगरीज आते हैं अब द लाइन एक्सपेंसिस बिलो द लाइन एक्सपेंसिस एंड क्वानिजेंट एक्सपेंस ठीक है विल गो इन टू इट अगेन लेटर

ज ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्री शूटिंग स्टेज तो पहले बजटिंग पहले बजटिंग होता है फिर स्क्रिप्ट होता है फिर एक्वायरिंग फिनंस होता है कास्टिंग मेम्बर्स होता है एक्टर्स होते हैं और टेक् फिन फाइनलाइजिंग टेक्निकल एंड प्रोडक्शन टीम होता है एंड देन प्लानिंग अ टाइम शेड्यूल फॉर शूटिंग एंड पोस्ट शूटिंग स्टेज सो इन दिस स्पेज वी गॉट टू नो दैट फ़िल्म जो प्रोसेस है वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है ये एक वन मैन वर्क नहीं है एक लार्ज टीम रिक्वायर्ड होता है इसके लिए uh, ये इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड होता है इट रिक्वायर्स अ लार्ज सम ऑफ मनी एज वेल और मैनेजमेंट रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं और इसके तीन स्टेजेस के तीन स्टेजेस के नाम जाने और फर्स्ट स्टेज क्या क्या इन्वॉल्व करता है क्या क्या कंसिस्ट करता है इसके बारे भी, में भी पता चला बट नाव वी आर गोइंग इन टू डिटेल्स जो पहला पार्ट है वो राइटिंग अ स्क्रिप्ट ये जो राइटिंग अ स्क्रिप्ट है उसका डिटेलिंग है ठीक है अब ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एवरी फिल्म बिगिनस विथ एन आइडिया दिस क्वेश्चन वॉज इन अ सैम्पल पेपर लाइक एक सैम्पल पेपर क्वेश्चन था लाइक अ फिल्म बिगिनस विथ वॉट स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के पहले आइडिया आइडिया आता है देन इट गोज़ टिल स्क्रिप्ट राइट तो दैट आइडिया कैन बी अ राइटर्स ओन इंस्पिरेशन और इट कैन बी यू नो इंस्पिरेशन टेकन फ्रॉम अ स्टोरी नॉवल थिएटर प्ले वडेवर ठीक है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के भी इंस्पिरेशन हो सकते हैं लाइक इट कैन बी writer's own inspiration or a director's inspiration or the producer's inspiration. Now it's a very important term which is adaptation which basically means where you're transforming a story in whole or in part to a fiction film. So one source of art is get it's getting converted into another genre of adaptation. So eitherana original writer is basically, इज बेसिकली अलाउड टू राइट अ स्क्रिप्ट इंडिपेंडेंटली और इट ही और शी कैन राइट अ स्टोरी और अ स्क्रिप्ट बेसिकली विद द कोलाबरेशन विद लाइक कोलाब्रेशन विद द ओरिजिनल राइटर और डिरेक्टर तो जो राइटर होता है वो इंडिपेंडली इंडिपेंडेंटली भी स्क्रिप्ट uh, लिख सकता है नहीं तो फिर कोलैबोरेशन करके कोलैबोरेट करके भी uh, लिख सकता है कोलैबोरेट किसके साथ करेगा ओरिजिनल राइटर या डायरेक्टर के साथ एग्जांपल इज गिवन है एग्जाम्पल इसके गॉड फादर जो एक नॉवल था जो कि लिखा गया था मारियोपूजो से और मै पैरामाउंट पिक्चर्स वो मेड इन दीरिज ऑफ फिल्म विच वॉज बेस्ड ऑन द नावल सो मियो मारियोपूजो जो थे ही बेसिकली रोट द स्क्रिप्ट इन द कोलेबरे विद फ्रांसिस फ्रॉड कोपाला डिरेक्टेड द फिल्म इफ यू डॉक अबाउट सत्यजीत रे ठीक है He also he has also made many adaptations of fictional works. As in if you talk about large novels, like Pothir Panchali or short stories like Jalsanagar. Jalsa Even Charlie Chaplin film, a famous film, uh Moshio Verdu was also like a idea which was suggested by a contemporary filmmaker. शेक्सपियर के भी बहुत सारे प्लेस को अडाप्ट किया जा रहा है सेवरल लैंग्वेजेस ओके दिस इज ऑल अबाउट आइडिया आइडिया से ही फिल्म uh, बिगिन करता है सेकेंड वी गो टू बजट 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 क्या है बजट इज बेसिकली का तीन एक्सपेंसेस है लाइक द थ्री मेन एक्सपेंसेस ठीक है फर्स्ट इज अबव द लाइन एक्सपेंसेस

This all comes under above the line expenses. Rest thing below the line e expenses, mein wo cheez aata hai, like the leftover thing, things which are not included in above the line expenses, hai, below the line expenses. Mein Examples are given as in crew, travel, laboratory, legal, accounting, etc. etc. कॉन्टीजेंसी या कॉन्टीजेंट एक्सपेंसेस बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं विच इज टोटली अनएक्सपेक्टेड एज इन वी एक्सपेक्टेड दैट इन होटल दे आर गोइंग टू टेक टेन रुपीज बट दे टुक फिफ्टीन रुपीज तो एक्स्ट्रा फाइव रुपीज वुड कम अंडर द कॉन्टीजेंसी नाउ नो फिल्म कैन बिगिन विद एम टी पॉकेट फॉर श्योर इट नीड्स इन्वेस्टमेंट सो एक्वायरिंग फिनेंस इज बेसिकली अ प्रोड्यूसर्स जॉब ठीक है

ठीक है मोमेंट्री रिसोर्सिस ये सारे चीज़ रिक्वायर्ड होता है इट्स हेयर ओनली राइट इट रिक्वायर्स प्लानिंग एंड एवरीथिंग बट इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज दैट हॉलीवुड के वजह से हम लोगों को स्टूडियो सिस्टम के बारे में पता चला जो कि नाइनटीन ट्वेंटीज में इट evolution took place the studio tha, it was it is basically a defined organization wherein you can see it here it's written here very nicely that wherein all film make, all filmmaking operations were conducted under one roof so all everything used to happen within the boundaries of studio what what used to happen within the boundaries of studios, all the operations related to the film, whether it's writing work, whether it's financed, shot, everything used to done. Entire feature film could be written, everything laboratory edited, everything. All these operations were taken place within the boundaries of the studio. Now they have written few famous names of studios in our country so if you talk about bombay tokens in mumbai theat uh, new theaters in kolkata prabhat studio in pune there are many more now studio shooting stage is a bit complicated but easy at the same time the first thing कंसिस्ट क्या करता है इट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग शूटिंग डन लोकेशन में शूटिंग हो सकता है नहीं तो स्टूडियो में शूटिंग हो सकता है एज पर प्लान शेड्यूल पर यहाँ पे जस्ट टू कीप आई एम नॉट हाई एनी बाथ जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट शूटिंग इज डन इन लोकेशन और स्टूडियो ठीक है वेरियस फैक्टर्स आर इवॉल्व इन द शूटिंग स्टेज शूटिंग प्रोसेस में बहुत सारे फैक्टर्स इवॉल्व होते हैं पर इम्प्रोवाइजेशन नीडिड होता है जब problem goes beyond the control of producer so producer all the producers want to finish finish the shooting on one schedule but it's not possible due to various reasons now what are the reasons number one actors are not you know available continuously number two unavailability of location number three demands of script okay? up for shooting

इज़ प्रोवाइडेड विद कॉल शीट कॉल शीट क्या है कॉल शीट इज बेसिकली जो इंडिकेट करता है जैसे मेरे को कॉल शीट दिया गया तो वट माई वर्क इज इट इज रिटर्न इन दैट कॉल शीट ठीक है द सेट्स आर बिल्ट एंड ड्रेस्ड ये फर्स्ट स्टेज है शूटिंग का सेट्स बिल्ट होते हैं ड्रेस्ड होते हैं कैमरा माइक और लाइट्स को पोजिशन किया जाता है विच इज अग्रीड बाई द डिरेक्टर और डिरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सो लाइट कैमरा और जो माइक है वो उसका मूवमेंट्स को रिहर्सल किया जाता है मार्क्स आर प्लेस्ड ऑन द फ्लोर टू इंश्योर द एक्टर्स आर बेसिकली टू इंश्योर द मूवमेंट्स ऑफ द एक्टर द एक्टर मूवमेंट्स राइट एंड टिल देन द एक्टर्स मेकअप ड्रेसअप हेयर इज डन एंड देन दे आर कॉल्ड टू देन दे आर कॉल्ड टू सेट फॉर रिहर्सल बिफोर फिल्म ठीक है before scene is filmed. So now now director if director is ready to shoot, the assistant calls for silence and film uh, filming takes place. If it is done in studio then doors are closed, red light is switched so that it uh, it is a signal that you know entry is forbidden and no one is allowed to enter now because shooting is uh, taking place. Director instructs the camera operators and sound recordists to be uh, to basically being recording and the scenes are taking num they are read out and everything uh, they are hinged clapper board clapper board ko jata hai and then they start with their acting and all action will their director and then actor starts uh, performing. So this was all about the shooting stage. Um, now a very good question which come which can come from this part is that why various cameras are placed? Why not only one camera is placed? Why you no know, three four cameras are placed to just shoot one scene? So it is placed for various of reasons. Various there are many reasons. First, to give a realistic look. ठीक है स्पेशली वो एक्शन एंड ऑल में इट यू नो इट टू गिव रियलिस्टिक लुक सेकेंड रिपीटेशन ऑफ एक्शन सीन इज़ नॉट रियली पॉसिबल राइट एंड नंबर थ्री फॉर रेंज ऑफ ऑप्शन नंबर फोर टू डिस टू अवॉइड डिसकंटिन्यूटी ओके नाउ पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज के तीन पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज कंसिस्ट करता है तीन स्टेज अगेन लैब प्रोसेसिंग एडिटिंग और साउंड बॉक अब ये चार्ट इज इम्पॉर्टेंट दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड देन दिस चैप्टर फिनिश्ड लैब जो है वो एक्सपोस्ड फिल्म रिसीव करता है एंड देन वो पिक्चर नेगेटिव में डेवलप किया जाता है फिर वो पिक्चर नेगेटिव में डेवलप किया जाता है और फिर उसको प्रिंट किया जाता है पिक्चर पॉजिटिव में जिसको रशेस भी बोलते हैं वो पिक्चर पॉजिटिव यानी कि रशेस को असेंबल किया जाता है सीक्वेंस वाइज ठीक है इन एडिटिंग फिर उसका रफ कट किया जाता है एंड देन रफ कट को फाइनल कट में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन फाइनल कट में साउंड ट्रैक्स को ऐड किया जाता है Or if the sound is first synchronized to the picture and then mixed or recorded. Mixed kia, record and negative is edited. And then they release a print. That's it. That was about this chapter. This all are irrelevant, but you can read it once. You I would uh, I would suggest you to read once shooting ratio. Shooting ratio basically. This shooting ratio 1 is to 10 to 1 is to 20. Okay? So there were three stages, and we went to we got into the details of these three stages. I'm not going to repeat it, but this video was really uh, important. And if you're watching this video, so I if you're watching this video, don't have you just I would ask you to read once and you'll get to know everything. So thank you for watching. Please do subscribe my channel and like.